गाइस वापस आ गए एक नए वीडियो के साथ। सो आज मैं ना आपको ड्रिल दिखाऊंगी, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और ड्रिल में क्या क्या अटैचमेंट्स जाता है वो एंड तक देखिए। अब हम ना अच्छे से एकदम घुसाएंगे, घुस गया, छोड़ दिए, अब ये नहीं निकल रहा है। अब इसको दबा के हम स्क्रू ड्राइवर चलाएंगे, ठीक है। इसको खोलने का तरीका भी सेम, ऐसे दबाना है, निकाल लेना है। ये हो गया स्क्रू ड्राइवर का अटैचमेंट, ये हो गया ड्रिल। ड्रिल का अटैचमेंट मतलब इसमें हम के वायर भी अटैच कर सकते हैं, इसमें ड्रिल बिट भी अटैच कर सकते हैं। जैसे मैं अभी ड्रिल बिट अटैच करके दिखा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट हम लोग को ये घुसा, ठीक है, ये वाला जो हम घुमा रहे हैं इससे ना टाइट करते हैं। देखिए यहाँ टाइट होते जा रहा है, इधर से ध्यान से देखिएगा। इधर जैसे हमने ये खोल रही हूँ, तो ये बड़ा होते होते नीचे घुसेगा। देखिए ये नीचे जा रहा है, दिख रहा है, ये बड़ा छोटा होता है। जैसे ये अभी हमने घुसाया के वायर, ये तो इधर उधर हो रहा है, ऐसे तो लॉक नहीं होगा। तो यहाँ इसको घुमा के ये देखिए बाहर आ रहा है। एंड ये जब पूरा घूमने लगे तब ये बन, मतलब ये अटक गया। अब इसको डबल चेक, जैसे ड्रिल बहुत फोर्स में होता है तो इसको डबल चेक कैसे करेंगे, ये इसका की है, ठीक है। देखिए ये इसका घाट इस पर बैठेगा, यहाँ होल्स दिए रहता है, इसका घाट इस पर बैठेगा और हमको क्लॉकवाइज घुमाना है। घुमाने के बाद अब तो नहीं घूम रहा है, कट कट दो तीन बार कट कट का आवाज़ आएगा, मतलब फ्री हो गया है। उसके बाद मतलब ये चलने लगेगा, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसमें हम आगे पीछे कर सकते हैं। इसको खोलने का तरीका भी सेम, ऐसे करके घाट खोले, खोलने के बाद इसको हटा दिए और इसको निकाल दिया। ये हो गया ड्रिल, ये हो गया सॉ, हमारा सॉ है। सॉ में ब्लेड यहाँ लगता है, ये जो है ओपन करके लिखा हुआ है इसमें लगता है, इसको हम बड़ा करेंगे। ये है इसका ड्रिल, ये यहाँ घाट बैठेगा, अंदर डालेंगे, अंदर डाल के इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और इसको लॉक करने के लिए ये टी हैंडल टाइप घुमाते जाएंगे। इसका भी वही सिस्टम है, जब बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा कट कट दो बार आवाज़ आएगा या घूमेगा नहीं, है ना। तो अपनी ताकत से इसको बंद करना है ताकि ड्रिल उड़े ना। तो ये हो गया लॉक, है ना। उसके बाद सेम सिस्टम, इसको खोलेंगे ऐसे, खोल दिए। ये हो गया ड्रिल का अटैचमेंट, सॉ का अटैचमेंट। पेन सॉ के अटैचमेंट के साथ हमें यहाँ सिस्टम भी चेंज करना पड़ेगा। सॉ लगाने के बाद यहाँ ये सॉ का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके बटन को लाना पड़ेगा। फिर ये है रिमर का अटैचमेंट, इतना बड़ा है रिमर, मतलब हड्डी के बीच में स्पेस करने के लिए रिमर आता है, वो इस यहाँ अटैचमेंट में नहीं रहता है। फ्लेक्सिबल रिमर यहाँ अटैच होता है, किसी दिन मैं फ्लेक्सिबल रिमर भी आपको दिखाऊंगी। तो इसका भी स्क्रू ड्राइवर जैसा ही सिस्टम है, इसको जैसे पीछे खींचना है, रिमर डालना है, फिर छोड़ देना है। और ये भी ऐसे ही है, क्लॉकवाइज आगे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज पीछे आएगा। एंड हमेशा हम लोग यहाँ ड्रिल जब भी ऑटोक्लेव के लिए देते हैं, ढक्कन खोल देते हैं एंड ताकि यहाँ मॉइस्चर ना भरे या मॉइस्चर सोख हो जाए ऑटोक्लेव से, तो हम लोग क्या करते हैं टेट्रा भर देते हैं। टेट्रा भर के ढक्का नहीं लगाते, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि जो एयर का फ्लो है वो सही रहे, मॉइस्चर जमा ना हो और जो भी अंदर में मैकेनिज्म है बैटरी कनेक्ट होने का वो ख़राब ना हो। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।